so i will hand it over to manpreet manpreet i think you are going to do a lot of value addition people will be hearing to you very closely hum is session ko record bhi karenge aap logon ke sath share bhi karenge and uh, thank you so much for all your patience all your support over to you manpreet have a good session thank you so much vikrant thank you so hello everyone how is everyone doing एंड मुझे लग रहा है सब दिल्ली के आसपास के तो सभी लोग ठंड का खूब मजा ले रहे होंगे सर्दी का मजा ले रहे होंगे और बाकी के वेदर भी अब बेटर है साउथ साइड पे भी राइट एंड आई एम श्योर अब जैसे जैसे हमारी टीम ट्रेवल कर रही है हम और आप लोगों की क्वेरीज आप तक पहुंचने की कोशिश करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ताकि हम कनेक्शन हमारा एज टीम आप सभी के साथ बना रहे और जितनी भी हम कोशिश हमारी है अमित की विक्रांत की हमारी पुनीत बॉस की गुंजन सभी की कि कुछ भी आपकी क्वेरीज है जिस भी एंड पे हम उसको कवर अप कर सके उनको सॉल्व कर सके जल्दी से जल्दी द बेस्ट वे ठीक है सो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद मोस्ट वांटेड टॉपिक और मोस्ट एक्साइटिंग टॉपिक जो हर एक को बहुत एक्साइटमेंट भी देता है और हर कोई उसके बारे में सुनना भी चाहता है एंड दैट इज न्यूट्री मील एंड आई एम श्योर आप में काफी लोगों ने इसके अराउंड काफी क्वेश्चन भी हम काफी क्वेश्चन जब मैंने ऑफलाइन सेशन भी लिए हैं तो काफी कवर अप भी करे हैं और अभी भी अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे इसके अराउंड तो आप लोग जो है इसको टू वर्ड्स दी एंड हम ले लेंगे ठीक है एंड टू स्टार्ट विद इट इज नथिंग बट जस्ट अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इन वन शेक एज जैसे ही आपको नेम सजेस्ट करता है इट कम्प्लीट न्यूट्रिशन हम अक्सर जानते हैं मैंने इनफैक्ट हर सेशन में यही बात करी है हेल्दी लिविंग के लिए ऑप्टिमल लिविंग के लिए हमें सब कुछ चाहिए सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए माइक्रो न्यूट्रिय माइक्रो न्यूट्रिय सब कुछ चाहिए एक बैलेंस में चाहिए राइट right प्रोपोर्शन में चाहिए राइट right? अब उससे होगा क्या जब हम सही मात्रा में ये न्यूट्रिशन को लेंगे व्हेन वी टेक दिस न्यूट्रिशन द राइट क्वांटिटी द राइट वे इन द राइट रेशियो राइट द राइट क्वालिटी अगेन सो व्हाट विल हैपन दैट विल गिव यू एंड सपोर्ट यू विद गुड एनर्जी आपकी एनर्जी लेवल्स को सपोर्ट करेगा दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग दैट विल यू नो स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा देन और क्या करेगा आपकी मेंटल क्लैरिटी पे काम करेगा आपके फोकस को इंक्रीज करेगा आपकी कंसंट्रेशन को आपकी मेमोरी पे ही काम करेगा व्हेन यू आर हैविंग अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन नंबर फोर व्हाट विल इट डू इट विल टेक केयर ऑफ प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डिफरेंट डिसीज़ेस आपको कई तरह के डिसीज़ेस से बचाएगा जब आप राइट right न्यूट्रिशन लेंगे

एंड रिलेटेड डिजेज मोर देन एनी अदर सीरियस डिस करें किसी क्रॉनिक डिसीज एस सीरियस ट्यूमर्स एंड कैंसर उनसे तो बहुत कम पॉपुलेशन में लोगों की लाइफ की क्वालिटी इम्पैक्टेड है जबकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इम्पैक्टेड बाई देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ दीज लाइफ स्टाइल डिजेस विच कम अलोंग विद योर वेट अलोंग विद योर ओबिसिटी राइट सो टूडे वील लर्न कि थोड़ा जानेंगे थोड़ा समझेंगे कि हमें इतना जैसे हमने अभी बताया कि न्यूट्रिशन है इसमें हम कौन से कौन से माइक्रो न्यूट्रिय की हम बात करें क्या हमें करना चाहिए सो दैट वी कैन प्रिवेंट दीज डिजीजेस वॉट वी कैन डू टू इवन यू नो हेल्प यू विद वेट लॉस इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट सप्लीमेंट इट्स also अबाउट गुड वेल बीइंग तभी तो हम इन सब चीजों की बात करेंगे राइट right. और इसमें आज हम हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे वो प्रोटीन के बारे में इफ यू हमने कुछ दो तीन सेशन मैंने आपको माइक्रो के बारे में बात करी थी जिसमें मैंने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फैट्स हेल्थी फैट्स जब हमने बायोमेगा का सेशन लिया था तब लिया था कि जो माइक्रो तीन रहते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन तब हमने डिटेल में समझा था फैट्स को कुछ अनहेल्दी फैट्स कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं तो हम ओमेगा थ्री को जिसमें लेते हैं और फिर हमने बायोमेगा समझा था आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम प्रोटीन्स के बारे में ले रहे हैं अगेन दिस इज अगेन वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रंस जो आपकी बॉडी को चाहिए राइट उसके बाद करेगा क्या आपकी जो बॉडी की जो सेल्स फॉर्मेशन है आपका स्ट्रक्चर है आपके ऑर्गन है हर चीज की कवरिंग जो है वो प्रोटीन से होती है आपकी स्किन की हार्मोनल आपके अः uh, बैलेंसेस के लिए हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ बच्चों को हम देखते हैं ना जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं खूब दीजिए खाना दीजिए दूध दीजिए दही दीजिए हम ऐसे क्यों बोलते हैं बिकॉज जो बच्चे हैं उनको ग्रोथ उनका जो फेस है वो ग्रोथ का है जितना आप उनको प्रोटीन रिच चीजें देंगे उतना ही वो उनको हेल्प करेगा उनकी ग्रोथ में सो दैट इज वेर प्रोटीन रिच डाइट कम्स इनटू टू प्ले कि उसका रोल क्या है राइट एंड एज वी ग्रो वी नीड मोर ऑफ प्रोटीन बट एज वी एज कि जब हम सीनियर्स व्हेन वी क्रॉस एन एज ऑफ सिक्सटी तब हमारी 55, 60 सिक्सटी अप्रॉक्सिमेटली टू 65 के बाद हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल अगेन अगर आप एक्टिव है तो ऑफकोर्स सेवेंटी तक भी आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी रहेगी एंड अगर आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा सीजेंट्री हो गया डो टू एनी रीजन तो तब आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज हमारी मूवमेंट उतनी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एज बी एज एंड क्रॉस सेवेंटी राइट इसीलिए हमारी जो अभी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न एंड वी आर ग्रोइंगी बिकम टीन एजर्स एडल्ट हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है और एक टाइम पे वेन वी वे आर एडल्ट तो वो हमेशा हमें मेंटेन करनी जरूरी है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की ताकि हमारे जो बॉडीली फंक्शन है हम वो उसको बॉडी अच्छे से कैरी कर पाए आपकी एनर्जी आपका लेवल मेंटेन रहे आपको हेल्थी वेट में डेफिनेटली वो सपोर्ट करे राइट right? सो so, ये सब चीजों में हम प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहते हैं सो दिस नेक्स्ट से सम वॉट अबाउट कि क्या क्या फंक्शंस है प्रोटीन के जैसे मैं भी आपको समझा रही थी थोड़ा सा आपके इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा आपकी स्ट्रेंथ के बारे में मसल्स के बारे में राइट right? आपकी मसल्स को स्ट्रक्चर को आपको स्ट्रेंथ मिलेगा हमारा जैसे हम जो जिम जाते हैं अक्सर लोग सुनते हैं मसल मास मसल मास कैसे बढ़ेगा आपकी मसल्स कैसे डेंस होंगी दैट विल हैपन विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट बट अगेन बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारे किडनीज पे इम्पैक्ट आता है ये क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ प्रोटीन अपनी डाइट में रखना चाहिए डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है प्रोटीन का किडनीज पे बट वो तब आता है जब आप एक्सट्रीम्स में ले रहे हैं प्रोटीन देन वॉट वी रिक्वायर अभी हम समझेंगे पहले कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और हम कितनी लेंगे तो आपकी किडनी पे या किसी भी और वाटल ऑर्गन पे वो इम्पैक्ट करेगा ठीक है थोड़ा सा अगर हम फंक्शंस पे जैसे मैंने अभी आपको समझाया था आ, पहले भी कि थोड़ा सा हम इसके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स के लिए डीएनए के लिए सेल्स के लिए स्ट्रक्चर के लिए हर चीज के लिए हमारे सिस्टम में हमारी बॉडी में हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ठीक है अब ये प्रोटीन हमें कितना चाहिए अगर आपका बहुत सीडेंट्री लाइफ है आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है ड्यू टू एनी राइट तो जो भी आपका वेट है उसका पॉइंट ग्राम आप जो है मल्टीप्लाई करिए अगर आपका वेट है हंड्रेड के मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ अगर आपका वेट हंड्रेड के है तो आप इंटू पॉइंट एट करिए तो अराउंड एटी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपका मिनिमम आपको चाहिए आपकी हंड्रेड के ऑफ बॉडी का जो वेट है उसके हिसाब से वैसे ही अगर आपका वेट सिक्सटी है या फिफ्टी है या सेवेंटी है जो भी है आप उस हिसाब से अपना जो है एक्टिविटी के हिसाब से अपना प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके आसपास मेरे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए राइट तो वो तो था कि आप मिनिमम अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है सेकेंड पॉइंट आता है कि लाइटली एक्टिव अगर आप थोड़े से एक्टिव है थोड़ा सा वॉक वगैरह करते हैं थोड़ा घर का काम भी करते हैं या बाहर जाते हैं अगर अपने है, बाहर का काम भी करते हैं ऑफिस आ जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक्टिव है अपने तो वर्कआउट हफ्ते में दो दिन तीन दिन आप वर्कआउट भी कर रहे हैं उस हिसाब एक्स, से है सो दराउंड ऑफ योर बॉडी वेट तो अगर हंड्रेड के जीस का आपका वेट है तो तब आपको हंड्रेड ग्राम्स के अप्रोक्सीमेट सो द्रोक्सिमट वैल्यू तो हम ये नहीं बोलते कि रोज आपको अस्सी ग्राम प्रोटीन खाइए या रोज आप हंड्रेड ग्राम खाइए अगर आपका वेट हंड्रेड के जीज है अप्रोक्सिमेट एटलीस्ट आप एट्टी परसेंट उसके आसपास आइए मैंने 100 केजीस का आपका वेट का एग्जाम्पल लिया तो आपका जो वेट जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बनती है वो बनी आपकी 8, 80 ग्राम्स की राइट अब 80 ग्राम्स के अगर हम हम भी जानते, है कि भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल है ये सब मैनेज करना कि हम 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वन डे में हम कैसे मैनेज करेंगे राइट तो आप एटलीस्ट सिक्सटी सेवेंटी हम एटलीस्ट हायर रेंज में तो उसके क्लोज आए ना हमारी एक कोशिश होनी चाहिए सो दैट इज व्हाट आई मीन उस हिसाब से आपके जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ेंगे वन उस हिसाब से आपका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा जैसे एक्टिव है या इन केस इफ यू आर वुमेन एंड यू आर प्रेग्नेंट देन योर अप्रॉक्सिमेट रिक्वायरमेंट शुड बी अराउंड वन पॉइंट थ्री ग्राम पर वेट ऑफ योर बॉडी वेट राइट right? तो so, तब आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ऐसा रहेगा और अगर आप बहुत ही एक्टिव हैं अगर आप एथलीट हैं या बॉडी बिल्डर हैं या जिम रेगुलर जिम गोयर हैं तब हम इसको बहुत ज्यादा आपका वर्कआउट दिन में दो घंटे तीन घंटे का है और वो भी हफ्ते में पांच दिन छह दिन का है एक वीक में एंड एवरी डे यू डूइंग योर वर्कआउट फॉर एटलीस्ट टू आवर्स थ्री आवर्स देन योर लाइफ स्टाइल इज वेरी एक्टिव राइट तब आपका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा प्रोटीन का उस हिसाब से ही होगा बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच प्रोटीन इज गुड इनफ कि मैं अपने मिनिमम पे भी रहूं आई एम नॉट एक्सीडिंग एनी अदर बॉडी फंक्शन इन अ नेगेटिव वे राइट क्योंकि किडनी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहते हैं अलग अलग डिसीजेज से रिलेटेड यूरिक एसिड से रिलेटेड कि हमें ये प्रॉब्लम है हम कैसे लें तो मैं वो सब क्वेश्चन को मैं टूवर्ड्स दी एंड में आपको लूंगी ठीक है तो अभी जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था अराउंड किडनी के रिलेटेड राइट right? तो उसमें मैं ये समझाऊंगी आपको कि हमारा जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है मैं जितने भी मेरे ऑफलाइन सेशन हुए मैंने उनमें सबको ये समझाया भी था और बताया भी था इनफैक्ट कि हमारी जो बॉडी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर 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 अ अ अ यू नो अगर आप बात करें चाहे आप एक्टिव भी हैं बट तब भी इफ यू आर अ वुमेन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोटीन इज फोर्टी फाइव ग्राम्स फॉर अ वुमेन एंड फॉर मैन इट इज फिफ्टी सिक्स ग्राम्स ये आपका जैसे कहते हैं ना मिनिमम थ्रेश होल्ड ये मिनिमम है अगर आप इसके आसपास रहेंगे तो वो आपकी बॉडी के फंक्शन अच्छे से कैरी ऑन हो जाएंगे राइट right? बॉडी को कोई कॉम्प्लीकेशन नहीं आएंगे और वो किसी भी ऑर्गन पे इम्पैक्ट नहीं करेगा सो दिस इज दिनिम रिक्वायरमेंट राइट अब ये हमारी किडनीज को या किसी ऑर्गन पे इम्पैक्ट कब करेगा जब मेरी रिक्वायरमेंट मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से मेरे वेट के हिसाब से अगर आज समझिए आप 50 ग्राम है प्रोटीन की मैं आज ले रही हूँ 100 ग्राम प्रोटीन मेरी बॉडी को कितना चाहिए सिर्फ फिफ्टी ग्राम पर माई एक्टिविटी एज पर माई बॉडी वेट एज पर माई लाइफ स्टाइल राइट माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज ओनली सिक्सटी ग्राम्स और फिफ्टी ग्राम्स बट आई एम टेकिंग नाइनटी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईच डे एवरी सिंगल डे डे ऑन डे तब क्या होगा उसको मेटेबलाइज करने में उसको डाइजेस्ट करने में उसको एसिमुलेट करने में बॉडी के जो एफर्ट्स जा रहे हैं वहां पे वो एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी क्या करेगी उसको स्टोर करेगी वहां पे और स्टोर कुछ स्टोर होगा और कुछ फिल्टर आउट भी करेगी जहां पे किडनी पे प्रेशर आएगा क्योंकि जो भी वेस्ट है वो सब किडनी फ्लश आउट करती है हमारी बॉडी में से वहां पर किडनी पे इम्पैक्ट आता है प्रोटीन का सो दैट विल ओनली हैपन यू हैव हाई डोजेस ऑफ प्रोटीन इन हाई डोजेस और वो भी आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं बट प्रॉब्लम इज हमारे हिंदुस्तान में और मोस्टली राउंड द ग्लोब अगर आप किडनी से अगर हम रिलेटेड भी इश्यूज देखेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे टू सी दैट नाइंटी परसेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नॉट ड्यू टू ओवर प्रोटीन इनटेक दे आर ड्यू टू नो और वेरी लेस प्रोटीन इनटेक प्रोटीन कम होने की वजह से आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है आपकी स्किन साफ करेगी बिकॉज आपकी स्किन के अंदर जो टाइटनेस है जो कोलाजन है वो सब के लिए भी तो आपको प्रोटीन चाहिए राइट आपकी एनर्जी लेवल्स में इंपैक्ट आएगा आपका हेयर फॉल होने लगेगा आपके नेल्स आपके स्किन क्वालिटी हर स्किन की हर चीज पे आपका प्रोटीन का इंपैक्ट है यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी प्रोटीन का आपको रिक्वायरमेंट रहता है सो so, सीऑफ प्रोटीन आपकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी या यू you नो know, अगर आप ग्रोइंग बच्चे हैं तो उनकी हाइट भी रुक जाएगी उतनी स्पीड से नहीं होगी आई साइड पर इम्पैक्ट आएगा सो एवरी थे हम प्रोटीन में डेफिशियंट हैं एंड नंबर फर्स्ट थिंग जो आजकल लोगों ने देखी है और जो सबसे ज्यादा कॉमन भी है दैट इज अराउंड जितना हमारा लाइफ स्टाइल है हमें खाना भी खाना है अभी क्या रहता है पेट भूख लगी है तो हमारी जो प्लेट है उसमें हमारा प्रोटीन पोर्शन बहुत कम रहता है और बाकी चीजें जो हमारा वेट गेन कराएंगी रिफाइंड काब्स के फॉर्म में वो ज्यादा रहती है जिसके वजह से हमारा वेट गेन होता है क्योंकि हमें कैलोरी हमें ना कैलोरीज चाहिए ना एनर्जी चाहिए और जो चाहिए प्रोटीन वो कम है जो चाहिए बट थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन में वो ज्यादा है जिसके वजह से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो स्टोर होती है वो स्टोर्ड स्टोर्ड एज फैट और जो प्रोटीन था वो उसको आपकी जो डाइजेशन को स्लो करता आपकी क्रेविंग्स को स्लो करता वो कम है सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट गेनिंग वेट वन एज वन ऑफ द रीजन वेन यू हैव लेस प्रोटीन इसीलिए जब भी कोई वेट लॉस की बात करता है तो मैं जरूर बोलती हूँ इनफैक्ट सभी न्यूट्रिशनिस्ट आपकी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करने के लिए थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जरूर बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली

उतना ही अच्छा है आपकी बॉडी के लिए भी क्योंकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी हम कोशिश करते हैं कि नेचुरली ले और जो गैप रह जाए बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल स्टाइल या बिकॉज ऑफ आर एनवायरमेंटल रीजन एनी रीजन वो हम उसको पूरा करें उस गैप को थ्रू द सप्लीमेंट्स राइट सो नेचुरल प्रोटीन सोर्सेस क्या है तो कुछ एनिमल प्रोटीन सोर्सेज हैं एंड फ्यू आर प्लांट प्रोटीन अगर मैं बात करूं प्लांट प्रोटीन की बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन तो उसमें लेग्यूम्स हैं हमारी दालें हैं मशरूम्स हैं मशरूम्स नट्स एंड सीड्स वी हैव ग्रेन्स हैं हमारे एंड वी हैव डिफरेंट आजकल तो और मोर देन वीट मिलेट्स आर प्रेफर्ड बिकॉज वाई बिकॉज दे आर हायर इन फाइबर कॉम्पलेक्स कार्ब्स एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन जिसके वजह से जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है डाइजेशन स्लो होने के वजह से ब्लड शुगर लेवल्स जल्दी इंपैक्ट नहीं होता जिसके वजह से आपका वेट गेन नहीं होता और आपका वेट लॉस नॉट वेट लॉस बट वेट मैनेजमेंट होता है राइट सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट देन वी हैव एनिमल प्रोटीन वेर इन एनिमल प्रोटीन तो हम सब जानते हैं एग्स हैं फिश है मटन है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सी फूड है पोल्ट्री सो ऑल दीज थिंग ऑलरेडी नो बट अब आप मुझे ये बताइए कि हाउ मच ऑफ दीज आर यू एबल टू इंक्लूड इन योर डाइट ऑन एवरी डे बेसिस इन एवरी मील क्या हम प्रैक्टिकली मैं आपसे बात करी आपके लिए भी यह अब पॉसिबल है क्या हर मील जो भी आप खा रहे हैं उसमें हर बारी यू नो you know, आप एक प्रोटीन का पोर्शन इंक्लूड करें दिस इज वॉट आई सजेस्ट दैट यस यू शुड बट आई नो वट इज दो दैट दैट वॉट माई नेक्स्ट स्लाइड इज की क्या आप ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की आप ये पूरी कर पा रहे हैं इफ यसो दैट इज ऑसमी मील को एक्चुअली में अपनी मील को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं यू आर वेल अवेर एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ यूर रिक्वायरमेंट प्लस द सोर्सेज और आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं सो so, जो भी लोग जो अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मैच कर पाते हैं जो भी लोग हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स रखते हैं प्लीज पैट योर बैक okay so that's from my side but unfortunately we will have majority of the people who will say that no they are not able to meet this requirement or match to this why working hair uh, fast lifestyle hair और बिकॉज uh, आज के टाइम पे हेल्दी खाना जो है एक चैलेंज है नॉट बिकॉज आपको सिर्फ कुकिंग करना है बट यू हैव टू हैव दो हेल्दी इंग्रीडियंट्स ऑल्सो एट योर प्लेस और हर कोई चाहता है टू हैव हेल्दी मील्स राइट बट

जो हमें खाना चाहिए और जो हम अभी खा रहे हैं ये जो इसके बीच में गैप है यही हमारे सप्लीमेंट्स फिल करते हैं और वहीं पे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इस सप्लीमेंट को इस जो गैप है जो प्रोटीन का उसको फिल करता है हमारा न्यूट्रीमिल एंड न्यूट्रीमिल एज आई से इज द कंप्लीट न्यूट्रीशन इन वन शेक एक शेक में आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा मार्केट में आप अलग से जाते हैं लेने के लिए वे प्रोटीन राइट बिकॉज मेनी पीपल हु गो टू जिम या जो डाइट्स फॉलो करते हैं बहुत सी डायटे रेफर भी करती हैं कि आप प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन लीजिए सो so, उसमें क्या है सिर्फ एक स्कोप में आपको तेईस से चौबीस ग्राम प्रोटीन मिलेगा बट वो एक स्कूप में सिर्फ आपको प्रोटीन मिल रहा है बाकी चीजें नहीं मिल रही हैं व्हाट्स है वॉटिफिट ऑफ आर आपको प्रोटीन नहीं देगा बट वो आपको एक पूरी बैलेंस्ड मील दे रहा है इसीलिए इसका नाम है मील रिप्लेसमेंट कि अगर आप चाहें तो गिल्ट फ्री हो किसको एक मील के बदले में भी आप रिप्लेस कर सकते हैं और वो आपका हाई प्रोटीन नहीं होगा राइट बिकॉज इट इज गिविंग यू कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स सो दिस इज वॉट यू विल गेट इन वन शेक बिकॉज ये जो बॉक्सिंग है ये जो बॉक्स है इसमें फोर्टीन सेशे रहते हैं और एक जो एक सेशे है उसके अंदर आपको टू हंड्रेड एंड फोर्टी कैलोरीज मिलेंगे पर

तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी एनर्जी लेवल्स में और जो न्यूट्रिशन है जो गैप रह रहा है आपके कई बार आप ट्रेवल कर रहे हैं आप पूरा दिन ऑफिस में आपको टाइम नहीं मिला घर से कुक करने के लिए फॉर योर लंच सो यू हैव दिस रेडी यू नो गिल्ट फ्री मील इन इन योर योर पॉकेट है राइट आपको प्रोटीन भी मिलेगा फाइबर भी मिलेगा हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे इट्स लाइक अ कंप्लीट मील और कैलोरीज पे भी इसका रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ टू कैलोरीज है और आपका सारा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा राइट एंड एंड इट रियली टेस्ट so delicious that sometimes you might even forget ki itna nutritious delicious ke sath itna nutritious bhi hai right so it's like both a combination of taste and nutrition both in one pack okay so, अब इसके अंदर आपको एक सेशन में आपको क्या मिलेगा ट्वेंटी grams of protein अब वो protein क्या करेगा again जैसे हमने बात करी थी सबसे पहले तो आपको आपकी जो मसल्स है आपकी जो आ, आपकी जो एसेंशियल जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की की प्रोटीन की, उसको पूरी करेगा जो गैप है उसको कवर अप करेगा एटलीस्ट जो सॉर्टेड की अगर सॉर्टेडी फाइव ग्राम्स प्रोटीन चाहिए तो बीस ग्राम प्रोटीन तो आपको एक एक बारी में मिल गया बाकी तो हमें बस थोड़ा सा ही प्रोटीन को बैलेंस करना है ना तो एटलीस्ट जो सॉर्टेड नहीं तो आपको हर चीज सारा दिन आप यही सोचते रहेंगे कि मैं अब क्या खाऊं अब मैं क्या खाऊं राइट एंड जब आपकी मील्स में प्रोटीन की पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है विद वेजिटेबल्स आपको भी मिलती है means feeling of fullness. आपको जल्दी भूख नहीं लगती जब जल्दी भूख नहीं लगेगी तो वो जो स्नैक्स की जो क्रेविंग्स होती हैं वो भी बहुत कम हो जाती है राइट स्नैक्स की हमारी क्रेविंग्स बहुत कम होने लगेंगी और जैसे ही आपकी स्नैक्स की क्रेविंग्स शुगरी क्रेविंग्स, say, शुगरी क्रेविंग्स. जैसे, जैसे आपकी शुगरी क्रेविंग्स भी कम होंगी आपको ऑटोमेटिकली वो आपके ब्लड शुगर है इट इज नॉट लाइक मील रिप्लेसमेंट अगर आप कोई भी मील आप लेंगे तो हमें प्रोटीन तो चाहिए ही ना हमारी बेस के लिए उस मील के लिए वही चीज आपको मिल रही है इन वन सेशन सो इट्स लाइक अ बेस भी बना और बिल्कुल प्योर वे प्रोटीन से तो इस पे कोई डाउट भी नहीं है राइट एंड देन इट इज स्ट्रॉन्ग फॉर योर बोन्स इट इज एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग इन योर बॉडी फॉर एवरी फंक्शन नीड प्रोटीन राइट अब इसमें जो फाइबर है 8 to nine grams of fiber in one sachet. Now how will that help you with? That will help you number one to slower the food digestion. आपकी जो food की जो digestion है उसको slow down कर देगा जिसको हम gut emptying time भी बोलते हैं यानी कि gut जितनी जल्दी gut empty होगा यानी कि जितनी जल्दी आपका डाइजेशन होगा ना उतनी जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ते हैं एकदम से crash होते हैं और वहीं पे ही हमारी क्रेविंग्स होती है जब वो एकदम से ऊपर जाएंगे ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से डाउन आ जाते हैं तो वो जो स्लश आता है वहां पे आपको क्रेविंग्स आते हैं क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स आपके एकदम डाउन चले गए बॉडी को एनर्जी चाहिए एनर्जी बॉडी किस सेंस किस फॉर्म में सेंस करेगी चीनी शुगर के फॉर्म में और तभी आपको क्रेविंग्स होने लगती है राइट सो दिस इज रीजन कि बहुत लोगों को क्रेविंग्स होती है व्हेन दे आर आर ऑन वेट वेट लॉस लॉस प्लान्स बिकॉज सो मेनी डाइट्स इन द मार्केट यू नेम व्हाट इंटरमीडिएट लीजिए इंटरमीडिएट फास्टिंग कीटो डाइट डाइट पैलियो लो कार्ब डाइट यू नो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन द मार्केट बट आर दे सस्टेनेबल हमें ये पूछना है आपने आपसे क्या वो सस्टेनेबल है क्या वो हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेंगे नेगेटिवली तो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करेंगे दिस इज वॉट वी नीड टू थिंक और वो लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ को मेनटेन भी करेंगी बिकॉज नॉर्मली जो डाइट होती है तो आपका प्रोटीन इनटेक भी रिस्ट्रिक्ट होगा सब कुछ रिस्ट्रिक्ट होगा जिसके वजह से आप उस टाइम पे दो महीने तीन महीने जब आप उस डाइट प्लान पे फोर मंथ वेट ऑफकोर्स बट यूल्सो लूज योअर मसल राइट बिकॉज आपने तो टोटल कैलोरीज पे ही अपना कंट्रोल करा हुआ है तो आपके मसल भी तो लॉस हो रहा है जो अभी आपको फील नहीं होगा वो कुछ महीनों बाद फील होगा जब आपकी स्किन सैगी होने लगेगी आपके फेस की स्किन ढलकने लगेगी हेयर फॉल होने लगेगा राइट सो दिस इज वॉट हैपन्स मेनी अ टाइम्स जब हम देखते हैं कि जब लोग जाते हैं वेट लॉस डाइट्स पर दिस इज द साइड इफेक्ट हम आपको हेल्दी वे में विल हेल्प यू मेंटेन योर वेट बिकॉज आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा क्योंकि आपको क्रेविंग्स कम होंगी बिकॉज ऑफ फाइबर आपको फुलनेस की फीलिंग रहेगी आपकी क्रेविंग्स नहीं होंगी तो आप ज्यादा uh, you know, नहीं करोगे जहां बंजिंग नहीं होगी वहां पे हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं होगा विच विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू मेंटेन योर वेट राइट सो दिस इज हाउ यू कैन यू नो डीज शेक मील मील एक्टिव विल हेल्प यू स्टे हेल्दी स्टे अप ऑन योर एनर्जी लेवल्स एंड ऑल्सो हेल्प यू इन योर वेट लॉस मैनेजमेंट राइट सो आई एम श्योर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एवरी वन एंड आई नो मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स आई माइट गेट राइट कि बहुत से लोग जब आते हैं ना तो सबसे पहले ये जो न्यूट्री मिल है ना ये उनको यही समझ में आता है कि वेट लॉस पर अट्रैक्ट करेगा इवन आप जब आगे भी लोगों से बात करें सो दिस इज लाइक अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या आप इस प्रोडक्ट के थ्रू आप बाकी सब प्रोडक्ट्स को आप लिंकअप कर सकते हैं आप उसको इनके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं राइट right? सो so अगर आप सोचते हैं दैट यू वांट यू आर थिंकिंग ऑफ वेट लॉस तो हमें क्या क्या करना चाहिए आइडियली आइडियली व्हाट व्हाट आर द राइट स्टेप्स दैट वी शुड बी डूइंग शुड डू वॉट आपको सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आप डाइट पे काम करिए सिर्फ न्यूट्री मिल लीजिए और आप पतले हो जाएंगे आप हेल्दी हो जाएंगे ऑफकोर्स नॉट नो वन थिंग इज लाइक मेडिसिन और अ मैजिक इन दिस वर्ल्ड राइट हमें थोड़ी और मेहनत तो करनी पड़ेगी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है सिर्फ पतले होने के लिए नहीं सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए नहीं ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए मोबिलिटी राइट मूविंग बहुत जरूरी है शरीर बना ही इसीलिए है कुदरत ने बनाया ही इसीलिए है टू कीप इट मूविंग अगर हम मूव नहीं करेंगे तो ये जुड़ जाएगा एंड एन नंबर ऑफ विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है देन स्लीप स्लीप अगर हमारा sleep जो है कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड है तो वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है विच इनडायरेक्टली इम्पेक्ट योर वेट लॉस बिकॉज दे आर मेनी पीपल हु से मेरे पास भी ऐसे कुछ पर्सनल क्लाइंट्स बहुत बारे आए हैं हु आर टेकिंग परफेक्ट डाइट गुड वर्कआउट

एनीथिंग दैट हैॉडी नॉट डज नॉट हैपन वेन यू आर डूइंग इट आपका मसल्स तब नहीं बनता जब आप जिम में है आप वेट तब लूज नहीं करते जब आप वॉक कर रहे हैं ऑल दिस मैजिक हैपन्स वेन यू आर एट रेस्ट फिजिकली जब आपकी बॉडी फिजिकली रेस्ट पे होती है तब आपका एक जो मैजिक है काम करता है अब आप अगर आपकी जो स्लीप है वो डिप्राइव्ड है राइट right, आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं चार पांच घंटे ही सो रहे हैं तो आपकी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिल रहा है तो वो रिकवर कैसे करेगी वो जो है रिकवर करना है यू नो दिस सो मेनी थिंग्स एंड बॉडी इज डूइंग वो कैसे वो फंक्शन करेगी और वहीं पे ही आपका वेट लॉस इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड इनडायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट लॉस स्ट्रेस लेवल्स आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई होंगे ब्लड शुगर लेवल्स हाई होंगे ब्लड प्रेशर हाई होगा स्ट्रेस लेवल्स की वजह से वेट <coughs> और भी ज्यादा स्टक रहेगा या आप और गेन करते जाएंगे राइट सो दिस इज हाउ एंड कितना इंपॉर्टेंट है स्लीप एक्सरसाइज देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि थोड़ा स्ट्रेस पे काम करिए <coughs> थोड़ा सा स्ट्रेस क्योंकि स्ट्रेस जब आप होंगे तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हाई होते हैं और जब हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हाई होंगे तो बॉडी का जो मेटाबोलिज्म है वो स्लो हो जाएगा क्योंकि जब स्ट्रेस हाई होगा तो ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं और जब ब्लड शुगर लेवल हाई रहेंगे तब आप जो है नॉर्मली यू कैन नॉट लूज वेट बिकॉज एट दैट हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर यू आर हैविंग मोर एंड मोर फूड या तो वो बॉडी बना रही है खुद से ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा नहीं तो आपका इंटेक होगा आपकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी खुद आपको क्रेविंग करेगी जिसके वजह से यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट राइट इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि इनफैक्ट मेनी पीपल हु गेट डायबिटीज वो बोलते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसे एपिसोड होगा रहता है जिसके बाद ही उनको ऐसे कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल डिसीज आती है स्पेशली विद डायबिटीज अगर आपने बहुत लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट के थ्रू अगर आपने क्रॉस करा है उसके बाद आप देखेगा क्योंकि वो आपके डायरेक्ट स्ट्रेस जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स पर इम्पैक्ट करता है उसके वजह से आपको डायबिटीज हुआ होगा या किसी को भी जिसको आप जानते होंगे सो ऑल दीज थिंग्स इम्पैक्ट योर ब्लड यू नो योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड इनडायरेक्टली योर वेट सो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी वेट एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करें सो so ऑफकोर्स हमें इन सारी पैरामीटर्स पे काम करता है करना ही है एंड डोंट फॉरगेट योर यू नो वाटर इनटेक कीपिंग हाइड्रेटेड इज सो सो इंपॉर्टेंट जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहेगा राइट right? आपकी स्किन जो है वो प्लम्पी बनी रहेगी आपकी बिकॉज हमारी बॉडी सेंस तो बना ही फ्लूड से है ना फ्लूड में क्या है वाटर ही तो बेस है सो वी नीड दैट राइट तो इन सब पैरामीटर्स पे काम करिए अच्छा खाइए कोशिश करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आप जितना भी अरेंज कर सकते हैं इन योर प्लेट ट्राई डूइंग दैट एंड अलोंग विद इट इंक्लूड एक्टिव इन योर डाइट। सो वॉट डीज टू थिंग्स विल डू आपका लाइफ स्टाइल वॉट न्यूट्रीमिल विल हेल्प यू नॉट जस्ट टू लूज वेट सिर्फ आपको मैं वेट लॉस के लिए नहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ स्किन हेयर इम्यूनिटी इनर्जी लेवल्स मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा एक महीने के बाद आप खुद ही ये सब आके अपने आप अपना डिफरेंस बताएंगे एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू वॉलंटियर्स हु कैन शेयर दर एक्सपीरियंस व स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज पैरामीटर्स बहुत लोगों ने तो न्यू ईयर की रेजोल्यूशन लिया ही होगा कि पहले तीन महीने में इतना कम करेंगे छह महीने में इतना करेंगे एंड बाय द ईयर एंड वी विल कम फ्रॉम दिस वेट टू दिस वेट राइट सो दिस इज द राइट टाइम इफ नॉट नाउ देन वैन राइट और सिर्फ सोचने से नहीं होगा कुछ ना कुछ तो हमें काम करना पड़ेगा ना थोड़ी मेहनत तो थो करनी पड़ेगी तभी हमें जो हम चाहते हैं हमें वही मिलेगा राइट सो वी नीड टू वर्क ऑन अ हेल्दी बॉडी सो दैट वी कैन हैव अ मोर हेल्दियर बॉडी इन साइड आउट राइट अब नाउ आर द वेरियस वेज जो मैंने थोड़े से पोचरी करने की कोशिश करे है कि हम किस तरीके से अलग अलग तरीकों से

बच्चों को देती हूँ मैं भी लेती हूँ बिकॉज दीज आर सो हेल्दी और उसमें शुगर में मैं नैचुरल स्वीट्स डाले डेट्स डाला जिसके वजह से वो नेचुरल स्वीटनेस भी आती है और अलग अलग तरीकों से सो माई फर्स्ट इन हियर इज द प्रोटीन कॉफी मैंने वनीला फ्लेवर को जो लिया है उसी को ब्लेंड करा पानी के साथ और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर और कॉफी पाउडर डाल दिया तो उससे क्या हुआ ये आप वनीला के साथ भी कर सकते हैं या आप चॉकलेट फ्लेवर के साथ भी कर सकते हैं विद इधर ऑफ देम तो उससे क्या हुआ थोड़ा सा कॉफी का आप जो कॉफी लवर्स हैं राइट सो उनको वो कॉफी का भी ब्लेंड आएगा वो कॉफी का टेस्ट आएगा अगर उनको वो पंच चाहिए सुबह उठने के बाद अगर वो जिम जा रहे हैं राइट तो ये एक... बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट प्री वर्कआउट है अगर आप एक घंटा पहले लेंगे एक डेढ़ घंटा पहले अपने वर्कआउट से तो आपकी एनर्जी भी रहेगी या अगर आप ब्रेकफास्ट के बदले में रे, रे, ले रहे हैं तो अगेन यू नो इट्स लाइक अ पंच टू योर डे राइट माय सेकंड ऑप्शन दैट आई हैव इन दिस इज ओवरनाइट ओवरनाइट स्मूदीज स्मूदीज में हम क्या करते हैं आपने ओट्स लिए उसको सोक करके रखा पूरी रात आपने तीन थ्री टू फोर टेबल स्पून ऑफ ओट्स लिए एंड यू सोक इट इन कर्ड राइट विथ सीड्स जो भी सीड्स आप चाहते हैं चिया सीड्स नट्स बदाम अखरोट कैशू थोड़े से क्रश करके वो भी सब बीच में डाल दीजिए और रात भर फ्रिज में छोड़ दीजिए सुबह जब आप उठे तो इसके अंदर हमारा ये जो न्यूट्री एक्टिव है इसका आप सैशे डालिए यू वॉन्ट चॉकलेट फ्लेवर यू वॉन्ट वनीला व्हाट एवर यू वॉन्ट आप वो इसमें डालिए जो आपका फेवरेट फ्रूट है जो आप खाना चाहते हैं थोड़ा सा वो डालिए एंड योर हेल्दी डिलिशियस ब्रेकफास्ट और लंच वट एवर यू वॉन्ट इज रेडी राइट right? इसमें कुछ एफर्ट्स भी नहीं है और आप अगर ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप रस्ते में ये तो खाते हुए भी जा सकते हैं स्पून के साथ और आपको सुबह कुछ करना ही नहीं है बस थोड़ा सा फ्रूट ही तो चॉप करना है इसमें और वो प्रोटीन डालना है मिक्स करना है दैट्स राइट right? आप इसमें चाहे तो कोई भी फ्लेवर्स डाल सकते हैं माई थर्ड ऑप्शन इज पैनकेक्स बिकॉज मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए जो भी मैं उनका बैटर बनाती हूँ के अंदर ये जो है आधा में ऐसे ही डाल देती हूँ तो उनके लिए बहुत फिलिंग भी होता है और स्वीटनेस के लिए थोड़ी सी हनी थोड़ा सा डेट भी डाल दिया तो वो स्वीटनेस भी उनको आती है और क्योंकि मैंने इसमें प्रोटीन डाला है जो उनको उनको नहीं पता है तो उनको मुझे ज्यादा खुशी मिलती है कि वो एक बैलेंस्ड मील खा रहे हैं और टेस्ट के चक्कर में न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट एटलीस्ट विद माई किड्स कि उनको टेस्ट चाहिए कि टेस्ट मैं दे रही बट आई डोंट वॉन्ट देम Right? So right? uh, स लड्डू जैसे uh, अभी तो नॉर्थ साइड पे तो पिन्निया बहुत चलती है लड्डूस चलते हैं राइट right? मैंने वैसे ही ये छोटी छोटी चीजें बनाई हैं बॉल्स बनाई है जिसके अंदर डेट्स मैंने डाले ग्राइंड करा उसके अंदर आप नट्स डाल दीजिए सीड्स डाल दीजिए पीनट बटर थोड़ा सा डाल के ये पाउडर जो है आप न्यूट्रीमिल एक्टिव का एक सेशन मिक्स कर दीजिए और ये आप ऐसे जब इनको मिक्स करेंगे तो ऐसे ये बॉल्स बन जाएंगे छोटी छोटी आप इसको ऐसे ही रख लीजिए खराब नहीं होती है पंद्रह बीस दिन तक आगे पीछे जब आपको कुछ मंच करने का दिल करे स्वीट खाने का दिल करे तो यू कैन हैव देम सो दिस इज अगेन लाइक यू नो एनर्जी जैसे को हम बोलते हैं ना एनर्जी जो बार्स मिलते हैं ये प्योर एनर्जी प्रोटीन बार्स हैं जो आप अपने जिम में अपने साथ रख सकते हैं ट्रेवल कर रहे हैं ऑफिस जाते हैं अपने बैग्स में रखिए खाना खाया थोड़ा सा शाम के टाइम पे चाय के टाइम पे जरूरत लगी कुछ खाने की एनर्जी वाली चीज तब क्या सोचेंगे कि मैं प्रोटीन के से रिलेटेड क्या खाऊं ऑफिस में तब ये बहुत अच्छी ऑप्शन रहता है शेयर the जिसके जिसके करी थी हमने एक स्मूदी बनाई भी थी और मैंने वो अभी मैं आपको फिर से दिखाऊंगी लाइक like मैंने स्ट्रॉबेरी जो है वो हमने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी युसाना पेज युसाना इंडिया पेज पे कि हम मैंने स्ट्रॉबेरीज का फ्रूट लिया था उसको नाचन सीज के साथ ग्राइंड करके ब्लेंड करके फिर न्यूटमी में वनीला फ्लेवर डाला था जिससे कि मुझे थोड़ा सा फ्लेवर भी आ गया मुझे फ्रूट भी मिल गया सो दिस इज मैंने स्ट्रॉबेरी लिया आप कोई भी फ्रूट जो आप चाहें आप वो ले सकते हैं सो दिस इज़ आप ट्राइड यूजिंग डिफरेंट फ्लेवर्स किसी भी तरीके से कोई भी फ्लेवर्स को आप यूज कर सकते हैं ट्राई नो मेकिंग अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ स्टाइल जितना ज्यादा आपकी मील्स रिच होंगी प्रोटीन में वही उतना ही वो आपको हेल्प करेंगे मिलेगा क्या जस्ट टू गिव यू आर लुक यू नो कि आपको क्या क्या मिलेगा न्यूट्रिय वाइज या कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं न्यूट्री मिल को यू जस्ट नीड टू टेक वन सर्विंग ऑफ इट सिक्सटी ग्राम्स है ये एक पाउडर एक सेशन में आप उसको थ्री हंड्रेड एम एल में डालिए इफ यू वॉन्ट आप इसको आधा आधा बीट कर सकते हैं हाफ सेशन इन द मॉर्निंग हाफ इन द इवनिंग लाइक तीन चार बजे पांच बजे जब आपको वो मिड इवनिंग वाली भूख लगे आधा तब लीजिए आधा आप सुबह के टाइम पे ग्यारह के टाइम पे लीजिए ऐसे करके आप दो बारी दिन में ले सकते हैं नहीं तो आप एक ही बारी में उसको सीधा पानी में अराउंड थ्री हंड्रेड एम एल वॉटर में डाल के ब्लेंड करिए एंड यू आर ऑल सेट नाउ दिस इज द बेसिक फॉर्म क्या दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू यूज इट बट आप जितना वर्सेटाइल जितना इनोवेटिव हो सकते हैं विद योर रेसिपीज Please go ahead with it, right? So this is what it has. Then it has one sachet. One box will have fourteen sachets, right? And it has two flavors. And we are coming with very nice and more delicious flavors to give you that summer punch. Summers ke liye hum on new flavors bhi launch करने exciting भी tasty bhi hai. And definitely we are taking care of the sugar, the sweetness part. So don't worry on that part. Okay? So I think it's time that we join millions of people worldwide right and millions and millions of people in fact worldwide and over 600 athletes jo global athletes hai, more than 600 who trust the worldwide leader in health supplements and that is usana so this is the time that we join this rage javanese community go join kare as leaders and be a part of it try implementing these things in yourself in your lifestyle in your diet and feel the difference before you convince it to anyone else Aapke easy yoga right and you'll be just best version of yourself when you have a balanced diet okay so now I leave this